वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ न्यू सिलेबस चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले जो हमें इसका इम्पोर्टेंट जो बेस जानना है वो हम देख लेते हैं, जिसके ज़रिए हमें सब जो थी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उन्हें इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले इसका बेस देख लेते हैं। चलिए बेस देखते हैं। यहाँ पर आपको दो लॉ जो है वो याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन पूछा जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे जब रूल याद रहेगा तो ही आप उसका जस्टिफिकेशन लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंडीशनल लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं कंडीशनल लॉ में क्या होता है। यहाँ पे हमने बहुत पहले भी देखा है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस में भी अभी जो हमने पढ़ा है। अगर यहाँ पे P if then Q है तो वहाँ पे किसका कैसे जो चेंजेस होगा, कौन से साइन निगेशन लगेगा, कौन सा साइन और भी लगेगा, तो यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होगा। एक बार वापस से देख लेते हैं हम। यहाँ पे निगेशन P और Q हो जाएगा। ओके, जब P if then Q रहेगा और यहाँ पे बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ में क्या होता है, बाय कंडीशनल लॉ अगर यहाँ पे इफ देन ओनली इफ रहता है, पी इफ देन ओनली इफ रहता है, तो उसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें। तो यहाँ पे हम पहले इसका दो हिस्सा करेंगे, जिसमें हम पहले पी इफ देन क्यू करेंगे और इसके बाद यहाँ पे बीच में साइन एंड का रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट में जो क्यू रहेगा इस बार पहले रहेगा सेकेंड ब्रैकेट में, इफ देन पी बाद में रहेगा। यहाँ पे पी पहले है और यहाँ पे पी क्यू पहले। ओके, यहाँ पे पी क्यों पहले बाद में क्यू पी, तो यहाँ पे इसका ऐसा सॉल्व होगा। और इसके बाद इसको जैसे कि हमने यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट किया था तो वैसे ही यहाँ पे इसको भी हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पी यहाँ पे क्या हुआ था, पी निगेशन हो गया था। ओके, तो यहाँ पे भी जो पहले है तो उसका भी निगेशन कर देंगे। तो यहाँ पे पी का निगेशन किया हमने, उसके बाद यहाँ पे और का साइन। ओके, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू और यहाँ का ये एंड का एज इट इज़ एंड, और यहाँ पे जो क्यू है ये क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू और आगे और हो जाएगा और पी। ओके, तो बाय कंडीशनल लॉ ये कहता है। और यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर वन में काफ़ी यूज़फुल है और यहाँ पे कंडीशनल लॉ भी यूज़फुल है। ओके, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ जो है क्या बोलता है, यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिया गया है पी एंड क्यू और यहाँ पे बाहर निगेशन का साइन है, जब ये जो नॉट है निगेशन का साइन है अंदर जाता है तो क्या उसमें चेंजेस होते हैं बॉक्सेस में। ओके, तो यहाँ पे जो पहले है जो, तो यहाँ पे जो पी है हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेशन लगा देंगे तो ये निगेशन पी हो जाएगा और ये जो साइन ब्रैकेट के बाहर होगा तब क्या हो जाएगा, ये जो एंड है इसका चेंजेस में हो जाएगा और में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एंड है वो किस में चले जाएगा, ये और में चले जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ये याद रखना है जब ये साइन अंदर जाता है। और यहाँ पे अगर निगेशन ब्रैकेट में पी और क्यू है तो निगेशन पी होगा और ये क्या हो जाएगा, एंड के साइन में हो जाएगा ये और यहाँ पे निगेशन क्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो दो इम्पोर्टेंट थे मैंने बताया, यहाँ पे ये जो साइन का एक अब कैसे चेंज होगा वो भी हमने देखा। तो चलिए हम एक्सरसाइज जो है शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशंस राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। जैसे मैंने बात की थी जस्टिफिकेशन मतलब आपको जो रूल्स के नाम लिखने, यूजिंग रूल क्या करना है, निगेशन करना है उसका। ओके, तो चलिए फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है निगेशन क्यू इफ देन पी, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ओके, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको निगेशन का जो है साइन दे देंगे। यहाँ पे निगेशन का साइन हो गया, बाद में जो ब्रैकेट है क्वेश्चन का एज इट इज यहाँ पे इसे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये साइन देखना है इफ देन का, जिससे आप क्या कौन सा जो फॉर्मूला याद आ रहा है, बाय का कंडीशनल का। ओके, सॉरी
कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे हम। तो पे कंडीशनल लॉ कैसे करेंगे देखते हैं। जो यहाँ पे निगेशन इसे हम बाहर ही रखते हैं। यहाँ पे हम मैं आपको लिख देते हैं, समझने के लिए लिख देते हैं। यहाँ देखिए, जब यहाँ पे क्या था, पी इफ देन क्यू होता है तो क्या हो जाता है, वो निगेशन पी। ओके, यहाँ पे साइन क्या किस में कन्वर्ट होता है, और में होता है, और एक क्यू। तो यहाँ पे इसका जो ऐसा कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे निगेशन पी है, तो यहाँ पे अगर हम इसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्यू में हो जाएगा, और यहाँ पे इसका साइन यहाँ पे और का। ओके, यहाँ पे पी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो साइन है बारी है। ओके, यहाँ पे हमने इसे ब्रैकेट में करके निगेशन का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे कौन सा लॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंडीशनल लॉ। यहाँ पे आपको याद रखना है, जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशनल लॉ। ओके, लॉ लिखना है आपको, कंडीशनल लॉ लिखना है। इसके बाद जो निगेशन का साइन है वो क्या अंदर जाएगा। या फिर निगेशन जब ये इसमें क्या होगा, जब ये अंदर जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू। ओके, निगेशन क्यू। इसके बाद जो ये साइन है एंड और का, वो क्या चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वो एंड में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेशन पी। तो ये कौन से लॉ से हमने, एक हो जाएगा कौन सा लॉ हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, यहाँ पे जो लॉज है आपको याद रखने, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। सिंपल, यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन टू दिया गया है, पी एंड निगेशन क्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, इसका निगेशन करेंगे, लिखेंगे इट्स निगेशन इज। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे हम एज इट इज लिख के क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, और ब्रैकेट बना के उसके पहले निगेशन का साइन, यहाँ पे इसका निगेशन हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आगे का जो प्रोसीजर है उसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ पे निगेशन है वो अंदर जाएगा, यहाँ पे निगेशन अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, और निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे निगेशन पी हो जाएगा, निगेशन पी। ओके, निगेशन पी, और ये जो साइन एंड का वो क्या हो जाएगा, और में हो जाएगा, और यहाँ पे ए निगेशन दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूल, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। ओके, हमने ऊपर देखा था तो क्या कौन सा रूल हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का रूल लगेगा। ओके, यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, और जो लॉज है वो भी अपने आप याद हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो लॉज है लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप भूल गए तो मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। यहाँ पे हमें दिया गया है थर्ड सब क्वेश्चन, पी और निगेशन क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखे इट्स निगेशन इज। ओके, इट्स निगेशन इज, तो क्वेश्चन क्या करेंगे हम, एज इट इज लिख देंगे, पी और निगेशन क्यू, यहाँ पे निगेशन का साइन। उसके बाद क्या करेंगे, हमने जैसे ऊपर किया था, जो साइन को अंदर लेके जाएंगे, ये पी, और ये क्या हो जाएगा, निगेशन पी हो जाएगा। उसके बाद जो और का साइन है क्या होगा, चेंज होगा, ये किस में हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, और ये निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्यू, जैसे कि ने ऊपर देखा था। ओके, यहाँ पे सिमिलर है, बस यहाँ पे एंड और का फर्क है। यहाँ पे भी कौन सा लॉ लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सब क्वेश्चन फोर देखते हैं। यहाँ पे पी और
निगेशन क्यों, यहाँ पे एंड ब्रैकेट के बाद आर, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे पी और निगेशन क्यू, यहाँ पे एंड और इसके बाद क्या करेंगे हम निगेशन, यहाँ पे अभी हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ओके, अगर सिंगल ब्रैकेट रहता तो हम यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एक्स्ट्रा जॉइंट, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब निगेशन है उसे ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, तो हम लिखेंगे ऐसा पहले इस ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे आर के पहले लगेगा, ओके, यहाँ पे हम निगेशन पी और निगेशन क्यू, यहाँ पे निगेशन का साइन, यहाँ पे एंड एज इट इज़, यहाँ पे निगेशन आर, तो ये कौन सा लॉ है हमें वो भी लिखना है, लिखेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ, लॉ, ओके, ये कौन सा लॉ है लिखेंगे, ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, हमने यहाँ लिखा है डी मॉर्गन्स लॉ। इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पे अभी ये जो निगेशन अभी है इसके अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो इसका जो साइन है वो बदलेगा, यहाँ पे क्या है और है तो क्या इसमें हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, और यहाँ पे निगेशन पी नहीं तो ये निगेशन पी करते हैं, ये निगेशन पी, यहाँ पे क्या और है तो एंड, ये निगेशन, निगेशन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली क्यू, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा, जब हमने इसे अंदर लिया था यहाँ पे इसके, तो ये जो साइन है किस में हो जाता, हो यहाँ पे और से एंड में हो जाता, ओके, और यहाँ पे निगेशन आर, तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सब क्वेश्चन 5 में दिया गया है, पी इफ देन ब्रैकेट में पी और निगेशन क्यू, ओके, यहाँ पे इफ देन है तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इट निगेशन इज, यहाँ पर हम पहले इसे लिखेंगे पूरा, उसके बाद क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट करके हम क्या कर देंगे इसको निगेशन का साइन देंगे, ओके, यहाँ पे दिस बिग ब्रैकेट, यहाँ पे निगेशन का साइन, यहाँ पे हम इफ देन देख रहे हैं तो हम कौन सा जो जो लॉ है वो लगेगा, यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे निगेशन पी और में, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा कंडीशनल लॉ लगेगा, ओके, तो करते हैं यहाँ पे जो निगेशन साइन इसको बाहर ही रखते हैं, और यहाँ पे हमारा बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या करेंगे निगेशन पी और ये जो ब्रैकेट है पी और क्यू, ओके, उसे एज इट इज़ रखते हैं, और यहाँ पे क्या हमारा ये हो गया, यहाँ पे कौन सा लॉ हो जाएगा कंडीशनल लॉ, ओके, यहाँ पे क्या हो गया कंडीशनल लॉ हो गया, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट का साइन लगाते जाना है सब में, ओके, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, अब यहाँ पे हम ये जो निगेशन का साइन है इसे क्या करेंगे हम अंदर लेके जाएंगे, तो ये निगेशन, निगेशन क्या हो जाएगा हट जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है हट जाएगा, और ये साइन और का यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाद निगेशन है वो लग जाएगा, ओके, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, अब निगेशन का साइन यहाँ पे हम अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट पी, ये क्या है और का साइन है तो ये क्या हो जाएगा ये एंड में हो जाएगा, ओके, ये एंड और ये निगेशन, और ये निगेशन क्या हो जाएगा नो निगेशन, यहाँ पे बिना निगेशन के यह हो जाएगा, यहाँ पे भी कौन सा लॉ लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, देखिए अगर आपको लॉ जो याद है ना आप सिंपल सिंपल इसे कर सकते हैं, अगर आपको लॉ नहीं याद है तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी आएगी इसे सॉल्व करने में, यहाँ पे हम सब क्वेश्चन 6 देखते हैं, निगेशन यहाँ ब्रैकेट में पी एंड क्यू, ओके,
यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट में पी और निगेशन क्यू। यहाँ पे हम पहले इसका निगेशन करेंगे, यहाँ पे लिख लेते पहले हम इट्स निगेशन इज। यहाँ पे हर पहला जो लाइन है आपको यही लिखना है, इट्स निगेशन इज यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखना पहले। ओके सिंपल, आपको यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद इस पर क्या एक ब्रैकेट बनाएंगे हम बड़ा सा यहाँ पे ऐसा, और इसके बाद हम निगेशन का साइन, इसका हमने निगेशन किया। ओके अब ये जो निगेशन है साइन, इसे हम क्या भेजेंगे, अंदर भेजेंगे। अगर हम इसे अंदर भेजते तो कौन सा लॉ होता है, वो क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहले हम इसे अंदर भेजते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे इसे हम निगेशन, निगेशन निकल जाएगा, कट हो जाएगा। ओके तो यहाँ का निगेशन है जो ये हट जाएगा। तो जो पी यहाँ पे और यहाँ पे एंड यहाँ पे और यहाँ पे निगेशन लगेगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, ये एज इट इज रहेगा। ओके पी एंड क्यू और ए साइन, यहाँ पे हमने जब इसे भेजा था, ओके जब माइनस भेजा था तो ये क्या होती साइन है जो चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है और ये तो क्या ये एंड हो जाएगा। ओके मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था, यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसका क्या हो जाएगा और क्या एंड हो जाएगा। इसका जो निगेशन जब अंदर जाएगा, ये निगेशन नहीं है तो ये निगेशन हो जाएगा, निगेशन पी और ये क्या है ये और है तो ये क्या हो जाएगा ए एंड हो जाएगा। और यहाँ पे न निगेशन है, निगेशन निगेशन नॉट नॉट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ओनली क्यू। ओके तो यहाँ पे कौन सा रूल हमने यूज़ किया है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे इसके अंदर रहेगा। ओके तो यहाँ लिखेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे ब्रैकेट। ओके तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन था वो फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम सेवन सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में दिया गया है, छोटा ब्रैकेट पी और निगेशन क्यू, यहाँ पे इफ देना, यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। ओके यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो जो पहले पी रहता है उसको हम समझेंगे, ये पी क्या है, ये पी है, देन क्यू रहता है। तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका करते हैं कुछ सिक्वेलेंट करते हैं, फिर निगेशन पी क्या कर देते हैं और कर देते हैं, बाद में क्यू जो रहता है उसको ऐड से, मतलब कि क्या हम इसे पी समझेंगे और इसे निगेशन देंगे और यहाँ पे क्यू है तो ये एज इट इज़ रहेगा। ओके तो हम करते हैं ये ब्रैकेट के अंदर, पहले हम बाहर इसे निगेशन का साइन देते हैं यहाँ पे, और ये जो है इसे हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले यहाँ पे निगेशन पी और निगेशन क्यू। ओके यहाँ पे ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वो और में हो जाएगा। ओके जिससे यहाँ पे और है, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसे हम क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो बड़ा साइन है ये अंदर आएगा और यहाँ पे हमें जो रीज़न लिखना है जस्टिफिकेशन के लिए वो लिख देते हैं पहले यहाँ पे हम, ये कौन सा हो जाएगा कंडीशनल लॉ। यहाँ पे ये हो गया कंडीशनल लॉ। ओके कंडीशनल लॉ, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, निगेशन का साइन है जो माइनस का उसे हम क्या करेंगे अंदर भेजेंगे, यहाँ पे निगेशन चले जाएगा और यहाँ पे निगेशन नहीं तो आ जाएगा। ओके यहाँ पे निगेशन हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे वी सॉरी और एज इट इज़, यहाँ पे जो और है इसका क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो पी एंड है यहाँ पे इसके ब्रैकेट के पहले क्या हो जाएगा निगेशन का साइन लग जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, जो निगेशन का साइन है इसे हम क्या करेंगे अब इसमें अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो कौन सा लॉ यूज़ किया वो हमें लिखना है, पहले वो लिख लेते हैं हम
डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, हमने यहाँ पे कौन सा लॉ किया यूज़? डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पे हम निगेशन अंदर लेके जाएंगे, ये जो इसे हम एज इट इज़ लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे एंड, यहाँ पे निगेशन पी हो जाएगा, और ये एंड का क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, और ये निगेशन है तो निगेशन हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो लॉ है यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ किया? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, और हम नेक्स्ट इसका लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हम इसका लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पे निगेशन पी और निगेशन क्यू दिया गया। यहाँ पे और साइन पंद्रह ब्रैकेट पे पी एंड निगेशन क्यू दिया गया, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इसका इट्स निगेशन इज। ओके, यहाँ पे इट्स निगेशन इज। और यहाँ पे नीचे हम पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे निगेशन का साइन लगाएंगे जैसे हम करते हैं। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। ओके, यहाँ पे निगेशन क्यू। तो अब हम क्या करेंगे इस नेक्स्ट लॉ में, हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है निगेशन है नॉट है, ओके, इसे क्या करेंगे हम अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाएंगे इस ब्रैकेट के बाहर लगेगा, इस ब्रैकेट के बाहर, और ये जो साइन है अगर ये अंदर आता है तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये और है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे निगेशन बाहर इस बॉक्स के लग जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू, यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा, यहाँ पे निगेशन, यहाँ पे पी, और ये एज इट इज़, यहाँ पे कौन सा लॉ होगा? डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, आपको बार बार इसका जो रीज़न है वो लिखना है, डी मॉर्गन्स लॉ लॉ। ओके, हो गया। यहाँ पे हमें जो साइन लगा देते हैं, और इसके बाद हमें इसे अंदर लेके जाना है, यहाँ पे भी इसका निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा पी, और ये जो साइन है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये और है तो क्या हो जाएगा, एंड, यहाँ पे ऐसा, और ये क्या है, एंड एज इट इज़, यहाँ पे अंदर जाएगा निगेशन पी, नहीं तो निगेशन पी हो जाएगा, यहाँ पे जो साइन एंड का है किस में हो जाएगा, और में हो जाएगा, और यहाँ पे जो निगेशन निगेशन वो हट जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है वो लिखेंगे हम। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ, सिंपल। इसके बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2, तो रिवाइज करा देता हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ पे पहले हमने इस निगेशन किया, जिसमें हमने इसे पहले बिग बॉक्स में लिख के यहाँ पे निगेशन का साइन लगाया, उसके बाद हम एक एक बॉक्स में क्या किया, निगेशन लगाया, और यहाँ पे जो है साइन और का इसको हमने एंड में किया, उसके बाद हम यहाँ पे अंदर लेके गए, तो निगेशन निगेशन हट गया, पी हो गया, और यहाँ पे जो साइन था और का ये एंड में हो गया, और यहाँ पे इसका निगेशन और इसका निगेशन हट के क्यू हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया पी एंड क्यू, और यहाँ पे एंड एज इट इज़, यहाँ पे क्यू में, यहाँ पे पी में क्या है, निगेशन नहीं तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे क्यू में निगेशन तो हट जाएगा। ओके, यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड है तो और। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। तो हमें यहाँ पे लिखना है जो क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पे इफ़ देन, यहाँ पे इफ़ देन को रिमूव करना है, मतलब विदाउट इसे हमें निकाल के सेंटेंस को जो वापस से लिखना है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले कौन सा स्टेप लेंगे, पहले हम इसे पी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, बाद में इसका क्या करेंगे, सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद जो सिम्बॉलिक फॉर्म सॉल्व करने के बाद बाय कंडीशनल रूल के थ्रू, ओके, तब हम इसका जो विदाउट इफ देन के फॉर्म में आएगा वो सिंबॉलिक फॉर्म, उससे हम लिखेंगे। चलिए सब क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सब क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है, इफ़ अ मैन इज़ अ जज, ओके, इफ़ अ मैन इज़ अ जज देन ही इज़ ऑनेस्ट। ओके, इफ़ अ मैन इज जज देन ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे इफ़
और देन का क्या यूज़ किया गया, और हमें क्वेश्चन में लिखा विदाउट यूजिंग इफ देन, हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमें लिखना है लेट, ओके लेट क्या लिखेंगे हम, पी, पी में हम कहाँ से लिखेंगे, अ मैन से लेके जज तक लिखेंगे, अ मैन इज अ जज, सिंपल। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड क्यू, पी लिख दिया क्यू लिखेंगे, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, पी हो गया, ही इज हॉनेस्ट क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ओके क्या लिखेंगे, ही इज हॉनेस्ट, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, अब हम लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट्स सिंबॉलिक, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, ओके। तो यहाँ पे हम पी क्यू, यहाँ पे इफ देन है तो क्या हम सिंपली लिख देंगे पी, ओके इफ देन है तो कौन सा साइन, सिंगल एरो का अरे क्यू। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन कर दिया। तो इसे हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, तो यहाँ पे हम जो इसका ये जो सॉल्व करते हैं सिंगल एरो इफ देन का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैं साइड में बता देता हूँ, मैंने एक बार मैंने इसमें बताया था आपको, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे पी इफ देन क्यू होता है तो हम किस में लिखते हैं, जो पी निगेशन पी में चला जाता है, और इफ देन का क्या हो जाता है, और हो जाता है, और यहाँ पे क्यू जो रहता है वो एज इट इज़। ओके तो हम यहाँ पे इसे सेम लिखेंगे, निगेशन पी और क्यू, ओके पी और क्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, कौन सा लॉस हमने किया इसे सॉल्व, इसे हम लिखेंगे बाय कंडीशनल लॉ। ओके हमने इसे क्या किया, बाय कंडीशनल लॉ से क्या किया, इसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, ओके तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, जो हमारा ये क्वेश्चन है विदाउट जो हमें इफ देन का यूज़ करके लिखना है, तो कैसा लिखा जा सकता है हमें उन्हें दिखाना है। तो यहाँ पे निगेशन पी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला है पी, इसका हम क्या कर देंगे, निगेशन कर देंगे। ओके लिखेंगे अ मैन इज नॉट अ जज, ओके यहाँ पे हम लिखते हैं अ मैन इज नॉट अ जज। यहाँ पे अभी किसका साइन आएगा, और का आएगा, और है तो हम यहाँ पे और का साइन लेके और लिखेंगे। यहाँ पे क्यू है तो क्यू हम एज इट इज लिख देंगे, ही इज हॉनेस्ट, ओके ही इज हॉनेस्ट, सिंपल। तो यहाँ पे जो हमारा सब क्वेश्चन फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर टू का, वो हमने देखा। यहाँ पे हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन जो है विदाउट यूजिंग क्या करना है, इफ देन का सॉल्व करना है, इसे रिटर्न करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पहले इसे पी क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने यहाँ पे पहले पी क्यू का सेंटेंस स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। ओके यहाँ पे इफ देन का साइन था तो इफ देन का, तो हमने उसको इफ देन किया, उसके बाद हमने कंडीशनल लॉ यूज़ करके हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद इसका ये जो कन्वर्जन है इसे हमने क्या किया, एक सेंटेंस में यूज़ किया इस सिंबॉलिक फॉर्म का। ओके तो हमने अब कुछ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन टू देखते हैं। यहाँ पर हमें सब क्वेश्चन में लिखा है इफ़ टू इज़ अ रैशनल नंबर देन रूट टू इज़ एन इरैशनल नंबर। ओके तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ़ देन विदाउट यूजिंग इफ देन जो है इसे सेंटेंस में वापस से लिखना है। ओके तो हम यहाँ पे करेंगे लेट क्या होगा, पी क्यू के फॉर्म में इनको लिखेंगे, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक टू से नंबर तक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये रूट टू से क्या हो जाएगा, नंबर तक किस में हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। टू से लिखते हैं यहाँ से, टू इज अ रैशनल नंबर, ओके टू इज अ रैशनल नंबर, रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। ओके तो हमने यहाँ पे जो पी क्यू के सेंटेंस थे वो लिखे,
और इसके बाद हमें किस में इसे कन्वर्ट करना है, लिखना है हमें यहाँ पे एट सिम्बॉलिक, इसे क्या करना है हमें सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो लिखिए एट सिम्बॉलिक फॉर्म इज ओके। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में करेंगे, यहाँ पे पी और यहाँ पे इफ देन है तो सिंगल एरो ओके, और ये क्यू। तो हमने क्या किया इसका पी क्यू के फॉर्म में यहाँ पे सिंबॉलिक में इफ देन लगा के इसका सिंबॉलिक फॉर्म किया ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी फर्स्ट देखा था वैसे सब क्वेश्चन टू भी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पी सिंगल एरो क्यू है ओके, तो यहाँ पे हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे, जहाँ पे क्या हो जाएगा निगेशन पी और क्यू। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ ओके, यहाँ पे कंडीशनल लॉ हो गया। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो मिला है यहाँ पे इसे क्या करना है, मैं सेंटेंस में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, जैसे हमने फर्स्ट में किया था इट कैन बी रिटन एज ओके। यहाँ पे निगेशन पी है, तो यहाँ पे इसमें जो पी है इसमें क्या करेंगे, हम नॉट का यूज़ करेंगे। टू इज़ यहाँ पे इसके बाद क्या कर देंगे, हम नॉट लगा देंगे। टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर ओके, लिखिए टू इज नॉट अ रैशनल नंबर ओके। टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्यू जो है उसे हम एज इट लगेंगे, यहाँ पे और का साइन है तो और, यहाँ पे क्यू जो है उसे एज इट इज लिखेंगे। रूट टू इज एन, किस लिखेंगे, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर ओके। यहाँ पे जो सब क्वेश्चन टू था क्वेश्चन नंबर टू का हमने किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करके प्रूफ दैट, मतलब इसे हमें प्रूफ करना है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, क्या हमारा एल एच एस है और ए हमारा क्या है आर एच एस है ओके। ये हमारे एल एच एस और आर एच एस, हमें क्या प्रूफ करना है, हम यहाँ पे एल एच एस लेके इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये क्या है इसके इक्वल है ओके। चलिए इसके लिए आपको जो रूल्स या रहने चाहिए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे टेक एल एच एस ओके, यहाँ पे आपको एल एच एस लेना है, यहाँ पे पी क्या इफ एंड ओनली इफ क्यू ओके। यहाँ पे हमने पी लिया इफ एंड ओनली इफ क्यू का हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट करके यहाँ पे हम इसे जो बाय कंडीशनल है फॉर्म में उसमें हम करेंगे इसे। तो बाय कंडीशनल फॉर्म क्या रहता है, इसमें हम क्या करेंगे इसको दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसा, मैंने आपको बेसिक में अभी बताया था ओके। तो यहाँ पे हम डबल एरो सिंगल एरो, यहाँ पे पी है जो पहले आएगा और क्यू बाद में, और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे एंड लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो पी है इसे हम लास्ट में रखेंगे और क्यू जो पहले। तो यहाँ पे क्यू इफ देन क्या हो जाएगा पी हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे बाय कंडीशनल ओके, बाय कंडीशनल हो गया लॉ। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, हम क्या करेंगे जो है एरो से हटाएंगे। ये एरो को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल लॉ जो कि हमने क्या क्वेश्चन नंबर वन में यूज़ किया था ओके। यहाँ पे पी है तो क्या हो जाएगा इसका निगेशन पी हो जाएगा, यहाँ पे जो एरो है इसका क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और जो क्यू है वो एज इट इज़, यहाँ पे एंड का साइन यहाँ पे क्यू है तो निगेशन क्यू हो जाएगा, और इसका एरो का और हो जाएगा जो पी एज इट इज़ ओके। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ किया, यूज़ कंडीशनल लॉ, यहाँ पे हम लिख देते कंडीशनल लॉ ओके। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि यहाँ पे ये जो निगेशन क्यूब है
इसके साथ क्या होगा, एंड होगा। यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका एंड होगा इसके साथ। और यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेके जाएंगे उसके बाद इसका दूसरा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कुछ ऐसा, यहाँ पे ये जो इसको हम पहले एज इट इज़ लिखेंगे, निगेशन पी और निगे, यहाँ पे निगेशन, यहाँ पे क्यू। ओके, यहाँ पे एंड, यहाँ पे किसके साथ एंड करेंगे इसका, निगेशन क्यू का। ओके, तो यहाँ पे जो बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे दूसरा बॉक्स, यहाँ पे क्या कौन सा साइन आएगा, ये साइन आएगा। ओके, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, और का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे। वापस लिखने के बाद हम जैसे यहाँ पे निगेशन क्यू का किए, वैसे हम पी का करेंगे, क्या करेंगे हम इसके साथ एंड करेंगे, यहाँ पे निगेशन पी और क्यू एंड विथ दिस पी। तो यहाँ पे हमें कौन सा लॉ लिखना है, ओके, मैं यहाँ पे लिखना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक दूसरे से इस बॉक्स से उस बॉक्स में जो वेरिएबल्स है वो गए, तो यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो लिखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद किया। यहाँ पे जो लॉज है आपको याद रखने, ओके, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होते जाएगा और समझ में भी आएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, इसके साथ एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, इसका क्या करेंगे हम इसके साथ एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये आएगा, क्या होगा, पहला यहाँ पे दो ब्रैकेट बनेंगे, यहाँ पे निगेशन पी के साथ ये क्या करेगा, एंड करेगा, एंड निगेशन क्यू। ओके, इसके बाद किसके साथ एंड करेगा, इसके साथ, यहाँ पे ये जो साइन है ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये निगेशन क्यू पी के साथ करेगा, क्या करेगा, एंड। ओके, यहाँ पे साइन का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको काफ़ी ध्यान दे से कि इसको सॉल्व करना, अदरवाइज कहीं पे भी एक भी साइन गलत हुआ तो आपका जो आंसर वो लास्ट में गलत आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक दो बार आपको करेक्शन भी करते रहना है। तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एंड और, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसका, इसके साथ करेंगे पी का, एक एक करके यहाँ पे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो पी यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ एंड होगा, तो करते निगेशन पी एंड पी। ओके, निगेशन पी एंड विथ दि पी। ये अभी ये जो साइन है यहाँ पे जैसे कि बाहर आया था ये, वैसे यहाँ पे बाहर आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो पी है क्यू के साथ एंड करेगा, पी एंड विथ क्यू। ओके, तो यहाँ पे अभी कौन सा लॉ हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वापस से। ओके, ये लॉज आपको याद रखने, काफ़ी लॉज है इसमें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कि क्यू, क्यू क्या है, यहाँ पे एक क्यू है, यहाँ पे एक निगेशन क्यू है। ओके, तो यहाँ पे और भी देखते हैं सिमिलर होता है क्या कोई, नहीं, बट यहाँ पे निगेशन क्यू और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे निगेशन पी और यहाँ पे पी। ओके, तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसका एक रफ में एंड करके देखते, ओके, यहाँ पे हम समझते टी है, यहाँ पे भी टी है, टी एंड टी, यहाँ पे निगेशन है, मतलब क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। अगर हम इसका एंड करते तो इसका जो आंसर हो क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा, जो एंड रहता है अकॉर्डिंग टू द एंड रूल वो हमेशा क्या करता है, एफ, मतलब फॉल्स, फॉल्स अगर एक भी है तो वहाँ पे वो फॉल्स जो है वो आगे जाता है। ओके, और यहाँ पे हम पी, पी यहाँ पे भी एक क्या निगेशन में, मतलब यहाँ पे भी एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ आगे आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट, निगेशन पी क्या हो गया, एंड निगेशन क्यू इसका, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसका ये ट्रू है, ये निगेशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे और, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
निगेशन पी एंड विथ पी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये और का साइन, और ये क्या है, ये एज इट इज़ हो जाएगा। ओके, पी एंड क्यू सिंपल, ए बॉक्स क्लोज। तो यहाँ पे इसके लिए भी लॉ है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ हम लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, वो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ हुआ है। ओके, आपको ये सब लॉ याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे इसका जो एफ है इसे क्या हम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए भी एक लॉ है, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, मतलब आइडेंटिटी के थ्रू, लॉ के थ्रू आप जो यहाँ पे एफ है, अगर यहाँ पे टी आता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो साइन है ये भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एफ है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे का स्टेप लिखते हैं, बॉक्स। तो यहाँ पे जो इसका निगेशन पी क्या हो जाएगा, एंड विथ क्यू। ओके, यहाँ पे जो और का साइन है वो आएगा, और ये क्या है, ये जो हम लॉ के थ्रू निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका ये साइन आ गया और का, यहाँ पे इसका जो एफ है नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट पी एंड क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। ओके, आपको ये सब लॉ याद रखने, आइडेंटिटी लॉ, इसमें काफ़ी लॉ इसी क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं, बस जैसे आपको प्रैक्टिस करना है एक दो बार तो आपको समझ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो पी एंड क्यू है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या है, सेम है, तो हम इसे जो ऐसे कॉपी करेंगे, और यहाँ पे निगेशन पी और क्या है, एंड क्यू। ओके, यहाँ पे भी ये क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे नीचे लेके आएंगे, बट यहाँ पे हम हमें क्या है, इसे आगे पीछे करना है। पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, वैसे इजी पड़ेगा। ओके, निगेशन पी, यहाँ पे जो बिग बॉक्स है उसको हम हटा देते हैं, ब्रैकेट, सिंपल। तो हमें क्या करना है अभी, इसे प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे पहले दिया है, यहाँ पे सेकंड में, तो इसे हम जब पहले लाएंगे तो यहाँ पे एक लॉ यूज़ होगा, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले लेके आएंगे, पी एंड क्यू। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो यहाँ पे हम लॉ लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, अगर आपका आंसर आने के बाद आगे पीछे, तो हमें कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ करके हम इसे उसके आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ओके, तो हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे, LHS इक्वल्स क्यूएलेंट RHS। ओके, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, हैंस प्रूफ्ड ओके, हैंस प्रूफ। तो हम एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं, हमने कौन कौन से इसमें लॉज यूज़ किए। ओके, यहाँ पे देखते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया ट्रूथ टेबल, जो ट्रूथ टेबल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, उसको विदाउट ट्रूथ टेबल सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट हमने देखा, यहाँ पे हम पहले इसे एज इट इज़ हमें LHS ले लेना है, उसके बाद यहाँ पे बाय कंडीशनल जो दिया है फॉर्म यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको इसको देखना है पहले, अगर यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का साइन है तो ही आपको बाय कंडीशनल यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग पी इफ देन क्यू कर देंगे, यहाँ पे बीच में एंड का साइन, एंड क्यू इफ देन पी कर देंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट रहेगा क्यू एक टाइम पे, सेकंड ब्रैकेट में, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे। कंडीशनल लॉ क्यों, यहाँ पे हम इसे जो एरो सिंगल है उसको हटाने के लिए, यहाँ पे नेगेशन पी और क्यू कर देंगे, और यहाँ पे साइन एज इट इज़, और यहाँ पे नेगेशन क्यू और पी। ओके, यहाँ पे कंडीशनल लॉ ने यूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें ये जो निगेशन क्यू है
इसको हम क्या करेंगे, एक बार इससे क्या करेंगे, इसका एंड करेंगे इसके साथ, और एक बार इसका पी के इसके साथ एंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ओके, यहाँ पे हमने क्या किया इसका इसके साथ एंड किया, और ये और का साइन है जो ये यहाँ पे ओके। कभी भी ध्यान दीजिए, जिस जो ब्रैकेट सामने ब्रैकेट एक एक करके एंड कर रहा है उसका साइन यहाँ बीच में उसके बाद आ जाता है ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा इसका, हमने पी का एंड किया इसके साथ सिंपल। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में जो क्यू था, अब एक एक करके इसमें वापस से सबके एंड करेगा। तो यहाँ पे इस बार जो ये साइन है यहाँ पे ये बाहर आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये साइन बाहर आया था ओके। यहाँ पे नेगेशन पी एंड क्यू, यहाँ पे क्या किया इसने एंड किया, और यहाँ पे ये इसने साथ एंड किया ओके। यहाँ पे बाद में, और यहाँ पे ये, इसके बाद यहाँ पे वैसे ही सेम एक एक करिए ओके। यहाँ पे भी हमने कौन सा लॉ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, देखा जो इसको हमने देखा पहले, यहाँ पे निगेशन, अगर यहाँ पे पी रहता और यहाँ पे निगेशन पी रहता ओके, समझिए निगेशन पी, तो यहाँ पी रहता तो यहाँ पे इस ब्रैकेट की जगह हम इस ब्रैकेट को क्या करते, यूज़ करते ओके। यहाँ पे तो हमने देखा ध्यान से क्यू एंड क्या कहें, हमने इसका एंड किया इसके साथ निगेशन पी, और यहाँ पे क्या है ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, पर यहाँ पे निगेशन था तो मतलब ये क्या है फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर हम इसका क्या करेंगे एंड करेंगे तो जो फॉल्स हो क्या है नीचे जाएगा ओके। यहाँ पे भी हमने ऐसे सेम करके देखा, यहाँ पे क्या है निगेशन ट्रू है, निगेश यहाँ पे ट्रू है तो इसका एंड किया हमने, और यहाँ पे हमें क्या मिला फॉल्स मिला ओके। तो यहाँ पे हमें कौन सा लॉ यूज़ किया था, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज़ किया था ओके। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एफ को हटाने के लिए कौन सा लॉ किया, आइडेंटिटी लॉ, बाकी सब एज इट इज़ ओके। यहाँ पे जो साइन थे उसके साथ वो भी हट जाएंगे जब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे, जो बॉक्सेस यहाँ पे सिर्फ वही नीचे आएंगे, और यहाँ पे ये साइन ओके। तो यहाँ पे सिंपली जो हमने 12 ब्रैकेट था उसको हटाया है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो आंसर है हमारे जो आर एच एस से मैच हो रहा है, तो हमने क्या किया, देखा आगे पीछे, तो आगे पीछे सही करने के लिए अगर इसमें भी आगे पीछे रहता है ओके तो हम उसे भी सही कर सकते हैं किससे, कॉम्यूटेटिव लॉ के थ्रू। तो बाद में हमारा जो आर एच एस और एल एच एस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, हैंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। पी और क्यू ओके, यहाँ पे एंड या ब्रैकेट में पी और निगेशन क्यू, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है इसके बराबर ओके, इक्विवेलेंट पी। तो हम क्या यहाँ करेंगे, आंसर में लिखेंगे टेक एल एच एस, हम क्या करेंगे पहले एल एच एस लेंगे ओके। तो यहाँ पे हम एल एच एस लिखते हैं पहले, एंड ब्रैकेट और निगेशन पी ओके। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ये क्वेश्चन एज इट इज़ पहले सेम निकली, हमने क्या किया एल एच एस लिया ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे हम आप देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों क्या है पी और इसमें क्या है सिमिलर है, तो हम क्या करते हैं ये दोनों को बाहर ले लेते और दोनों को ब्रैकेट में रखते ओके। तो यहाँ पे हम दोनों को बाहर लेते हैं, नेक्स्ट क्या पी और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और ये भी क्या होगा ए अंदर जाएगा ओके। यहाँ पे नेगेशन पी सिंपल। तो हमने क्या किया, इसको क्या किया बाहर लिया, उसके बाद क्या किया इसको और साइन और नेगेशन क्यू, इसको क्या किया हमने अंदर लिया। यहाँ पे देखिए हमने अभी जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर ये टी है और ये भी टी है ओके, तो यहाँ पे निगेशन टी हो है ना, यहाँ पे निगेशन साइन, निगेशन टी मतलब एंड है यहाँ पे, मतलब ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो यहाँ पे एंड है, तो एंड क्या होता है जो फॉल्स रहता है वो आगे आता है, एंड क्या अकॉर्डिंग टू द एंड रूल, अगर यहाँ पे एक भी एफ है तो वो जो एफ है वो नीचे आएगा ओके। तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे और पी और ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है, और अगर यहाँ पे फॉल्स है तो ये क्या है ट्रू है ओके। यहाँ पे अज्यूम करना है क्या है ट्रू है,
यहाँ पे और है, अकॉर्डिंग टू द और रूल, अगर कहीं पे और है तो और में क्या होता है, अगर एक भी टी है तो क्या होगा, टी नीचे आएगा और जो एफ है वो वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले रूल लिखना है। ओके, यहाँ पे हमने लिया, हमने पिछले अभी वन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था रूल, आपको रूल याद रहना चाहिए। यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो रूल्स है वो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पी का नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स। यहाँ पे जो पी, यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको अज्यूम करना है ट्रू है। अगर यहाँ पे जो एंड रहता, अगर अदरवाइज यहाँ पे एंड रहता जो एफ है ना वो नीचे आता। यहाँ पे और है तो और कहाँ पे, अगर एक भी ट्रू है तो जो ट्रू है यहाँ पे वो नीचे आता है। ओके, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन, यहाँ पे क्या है, कौन सा है लॉ है, ये आइडेंटिटी लॉ है। ओके, यहाँ पे आपको लॉज भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको मार्क्स से ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे लॉज नहीं लिखते, आप डायरेक्ट करते, आपको हाँ समझ में आ रहा है पर लॉज नहीं याद आ रहे, तो आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको जो मेहनत है ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एल एच एस इक्विवेलेंट आर एच एस। ओके, तो हैंस हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। अब फिर से समझ लेते हैं हमने इसको कैसे किया। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एल एच एस लिया, क्या प्रूफ करना है, पी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जो एल एच एस है यहाँ पी और इनमें सिमिलर है, तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट के बाहर लिया और ये दोनों को अंदर ही रखा। ओके, उसके बाद हमने जो पी एंड करेंगे, यहाँ पे दोनों ट्रू है सिंपली माना। ओके, तो यहाँ पे इसका नेगेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू एज इट इज़, यहाँ पे क्या एंड है, एंड में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो जो फॉल्स नीचे आता है। ओके, यहाँ पे साइन और है, यहाँ पे हमने और लिखा, यहाँ पे पी, और यहाँ से हमको क्या मिला, एफ मिला। तो यहाँ पे हम इसका लॉ लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, कहाँ से आया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखने के बाद आपको देखना है यहाँ पे कौन सा साइन है। अगर यहाँ पे एंड रहता तो क्या होता, ये जो एफ है वो नीचे आता। ओके, यहाँ पे पर क्या है, और है, और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो वो नीचे आएगा। यहाँ पे जो फॉल्स है यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आपको अज्यूम करना है ट्रू है। ओके, तो इसलिए पी ए क्या नीचे आ गया। यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है क्या है, आइडेंटिटी लॉ से आपने किया है इसको। यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सब क्वेश्चन थ्री देखते हैं। यहाँ पे पी एंड क्यू। ओके, यहाँ पे और, यहाँ पे निगेशन पी एंड क्यू, यहाँ पे और, यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू। हमें क्या प्रूफ करना है, पी एंड और क्यू में लास्ट में ये लाना है, क्या लाना है, आर एच एस लाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टेक एल एच एस। ओके, हम यहाँ पे पहले लाइन लिखेंगे सिंपल, जो क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो सिंपली और निगेशन पी एंड, यहाँ पे और पी एंड निगेशन क्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे के तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये जो सिमिलर है। ओके, दोनों क्या है, सेम है, एंड क्यू एंड क्यू। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसे बाहर निकाला, तो यहाँ पे भी ये दोनों को क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे पी और ए पी, इसको दोनों को साथ में लिखेंगे, पी यहाँ पे और का साइन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन पी। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद ए जो है इसे हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें अब जस्टिफिकेशन लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, हमने पिछले भी सम में ये देखा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, यहाँ पर अगर इन दोनों में आप देखें तो पी निगेशन पी। ओके, पिछले में भी आया था ऐसे ही सम, यहाँ पे पी और निगेशन पी। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रू है तो अगर इसका निगेशन करेंगे तो ये तो फॉल्स हो जाएगा और ये जो ट्रू है ट्रू ही रहेगा। ओके, तो और का रूल क्या बोलता है, अगर और है तो एक भी अगर ट्रू है तो नीचे क्या होगा, वो ट्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एंड
ओके, यहाँ पे ये ऐसा होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू, ये ऊपर का नीचे है ट्रू, ओके, और यहाँ पे यहाँ का एंड और ये क्यू, ओके, यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट बन गया, और यहाँ पे ये जो है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे हमें अभी रूल भी लिखना है, फिर निगेशन क्यू, तो हमने कौन सा रूल से किया है, आइडेंटिटी रूल। टेंशन मत लीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार आपको याद हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो टी है ट्रू, और यहाँ पे एंड है, यहाँ पे क्यू, ओके, तो यहाँ पे टी एंड क्यू, मतलब यहाँ पे ये नहीं है, अगर यहाँ पे एफ रहता तो हम क्या इसे अज्यूम करते, ट्रू, अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अज्यूम फॉल्स, ओके। अगर एंड का रूल क्या कहता है, अगर एक भी एफ है तो नीचे क्या आएगा, एफ आएगा, ओके, यहाँ पे हमने इसे एफ अज्यूम किया है तो नीचे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे ये साइन, ओके, और ये बॉक्स एज इट इज आ जाएगा नीचे, सिंपल। और हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्यू है इसका क्या करेंगे हम, और किसके साथ करेंगे, इनके साथ करेंगे, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू, इसका हम क्या करेंगे, और एक एक करके इनके साथ करेंगे, लिखेंगे पी, और वे किसके साथ, पी के साथ, और यहाँ पे एंड का साइन, अब इसका क्यू और क्यू, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे वापस से कि ये दोनों जो सेम, यहाँ पे एक निगेशन अगर ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि निगेशन है, ओके। तो यहाँ पे अगर और होता है तो और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो क्या होता है, जो ट्रू वाला रहता है वो नीचे आता है, तो मतलब क्या, यहाँ पे अब नीचे आएगा टू, ट्रू हो गए, ओके। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसे हम एज इट इज लिखेंगे, क्यू वी, ओके, यहाँ पे और ए साइन, यहाँ पे एज इट इज, ओके, और यहाँ पे एंड का साइन, एंड में हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे डबल हो गया, एंड में क्या करते हैं हम, एंड में अगर एक भी क्या होता है, फॉल्स होता है, मानो अभी ये ट्रू तो है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, देखते हैं हम यहाँ नीचे, वाह, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो अकॉर्डिंग टू द एंड रूल अगर एक भी फॉल्स है, जो फॉल्स है वो क्या होगा, नीचे आएगा, ओके, तो हम क्या लिख देंगे, क्यू और पी, ओके, तो ये यहाँ पे अगर हम अपने आंसर से इसे मैच करें तो ये क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, कॉमिटेटिव लॉ, ओके, यहाँ पे हम रीजन लिखते हैं कॉमिटेटिव लॉ, कॉमिटेटिव लॉ, ओके, और जो सब ऊपर है उसके भी हम रीजन लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे पहले हम इसके जो सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हम क्या लिखते हैं, अब मैं एक्सप्लेन करूँगा वापस से, ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमिटेटिव लॉ करके, ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका कॉमिटेटिव लॉ कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ओके, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम फिर से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एल एच एस लिया, ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा है, सिमिलर है दोनों, उसके बाद हमने क्या किया, इसको बाहर निकाला और ये दोनों को अंदर, तो हमने बाद में क्या किया, पी और किया निगेशन क्यू, तो हम यहाँ पे अगर ये ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे निगेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे और है जो और हमेशा क्या करता है, ट्रू की साइड लेता है, ओके, ठीक, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ और, यहाँ पे ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो नीचे क्या आएगा, ट्रू, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रू लिख दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद ये जो एफ में तो ये नहीं आएगा, उसके बाद हमने किया ये, यहाँ पे जो ये हमने नीचे लिया, ओके, यहाँ पे एंड किया, इसके बाद हमने ये जो था इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिया, आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसके लिए आइडेंटिटी लॉ क्या यूज़ किया था, उसके बाद हमने किया था यहाँ पे ट्रू, ओके, यहाँ पे इसका एज इट इज़ हो गया था, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ नीचे, यहाँ पे क्यू और पी, हमने इसका इसमें क्या किया, इसके साथ और किया इसका,
इसके साथ किया, ओके। यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे हमने बाद में देखा जो क्यू और निगेशन क्यू है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ट्रू, यहाँ पे फॉल्स होगा दोनों, यहाँ पे निगेशन तो उसकी वजह से हो गया, फॉल्स हो गया, ओके। तो और जो रहता है हमेशा जो ट्रू की साइड लेता है उसके हिसाब से जो टी है वो नीचे आएगा। उसके बाद ये जो बॉक्स है यहाँ पे, इसके साथ ये पूरा यहाँ पे आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, ओके, हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे मैं आपको बाद में लिखा रहा हूँ कि आप भी अपने दिमाग से सोचिए, आपको भी मतलब कुछ आइडिया है, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसमें लेट लिखा के दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसके लिए कौन सा रूल आएगा, आइडेंटिटी लॉ। ओके, यहाँ पे इसके लिए कौन सा लॉ, और यहाँ पे हमने क्या किया इसको, कॉम्यूटेटिव लॉ के थ्रू यहाँ पे इसको हमने आगे पीछे किया। तो हमने क्या किया, आर एच एस इक्वल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल एच एस, ओके। हमने यहाँ पे ये क्या किया, प्रूफ किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, चलिए सब क्वेश्चन फोर देखते हैं। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन फोर में बाहर निगेशन और यहाँ पे ब्रैकेट में पी और निगेशन क्यों दिया। यहाँ पे इफ देन का साइन, बाद में यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू, ओके। तो हमें यहाँ पे इसको इसमें प्रूफ करना है, पी और निगेशन क्यू ब्रैकेट एंड एंड देन निगेशन पी और क्यू, ओके। चलिए इसका आंसर हम देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है टेक एल एच एस, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें कुछ अलग दिया गया है, यहाँ पे हमें ये दिया गया, ओके। तो यहाँ पे हम पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको पी क्यू दिया जाए, यहाँ पे आपको पता है कि इसका किस में होगा, ओके, निगेशन पी और क्यू में होगा इसका। तो ओके, हम चलो सम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली पहला जो क्वेश्चन है आपको लिख लेना है, इफ देन पी एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला इसे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे पी है, ओके, यहाँ पे क्या है, क्यू है, और ये इफ देन का साइन, ओके। यहाँ पे निगेशन क्यू मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसके बाहर क्या लगाएंगे हम, निगेशन, और ये जो एरो उसकी जगह क्या लगाएंगे हम, और का साइन लगाएंगे, ओके। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हमें कौन सा रीज़न, हम रीज़न के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी और निगेशन क्यू, इफ देन की जगह क्या, और का साइन, और ये जो ब्रैकेट है इसे क्या करते हैं हम, एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम रीज़न के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बॉक्स में Q इक्विवेलेंट, ओके, यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साइन निगेशन का इसको हम क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, ओके। यहाँ पे हम जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो साइन है इसका साइन और का, ओके, इसमें हो जाएगा, एंड में हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, निगेशन साइन, यहाँ पे निगेशन साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, निगेशन साइन लगा देंगे, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद हमें रीज़न लिखना है, रीज़न क्या लिखेंगे हम, डी मॉर्गन्स, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जस्टिफिकेशन के लिए लिख दिया, जिस पे हमारा 1 मार्क कैरी होता है। यहाँ पे जो रीजन्स हम लिख रहे हैं उस पर भी हमारा जो मार्क्स है वो कैरी होता है, और इस सम के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कितना बड़ा सम है, ओके। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रीज़न नहीं लिखते तो आपके जो मार्क्स है वो कटने के बहुत चांस है। यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है निगेशन इसको क्या करेंगे, हम अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे हम इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, इसके बाद ये साइन एंड
से क्या निगेशन पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एंड है तो और हो जाएगा और ये निगेशन में तो निगेशन में हट जाएगा। ओके तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन से मैच होता है कि नहीं। यहाँ पे हम पी ओके पी और निगेशन क्यू यहाँ पे एंड यहाँ पे निगेशन पी ओके तो ये सिमिलर है तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं इसका तो हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ सिंपल। ओके क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हेंस प्रूफ। ओके यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक बार हम देख लेते हैं हमने यहाँ पे किया क्या। ओके यहाँ पे पहले हमने क्या किया एल एच एस लिया उसके बाद हमने सिंपली जो कोई एल एच एस लिया उसे लिखा उसके बाद यहाँ पे हमने ये रूल अप्लाई किया। यहाँ पे क्या किया हमने कि ये जो यहाँ पे इसको हटाने के लिए हमने क्या किया निगेशन पी यहाँ पे और में इसको क्या किया क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट किया। यहाँ पे उसके लिए हमने निगेशन लगाया और ये साइन के जगह पे हमने क्या किया और कर दिया। उसके बाद जो निगेशन था नेक्स्ट स्टेप में हमने निगेशन को अंदर लेके गए यहाँ निगेशन कट हो गया ये जो बॉक्स था यहाँ पे एज इट इज़ आ गया और ये और का क्या हो गया यहाँ पे एंड हो गया और वहाँ पे निगेशन इस बॉक्स में नहीं था तो यहाँ पे हमने क्या किया निगेशन कर दिया। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लिखेंगे अगर ये माइनस निगेशन का साइन अंदर जाता है तो डी मॉर्गन्स लॉ। ओके तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट बॉक्स में नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जो निगेशन साइन अंदर लेके गया यहाँ पे निगेशन नहीं है ना यहाँ पे हमने क्या कर दिया निगेशन और ये जो साइन है इसको हमने क्या कर दिया एंड से और कर दिया और यहाँ पे निगेशन है तो क्या कर दिया हमने से रिमूव कर दिया। ओके यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे न्यू मॉर्गन्स लॉ। ओके यहाँ पे एल एच एस आर तो आर एच एस हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया तो हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारा जो 1.4 है फर्स्ट लेसन का मैथमेटिकल लॉजिक का कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है 1.5 का तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। ओके तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।